अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने 9th क्लास का टॉपिक डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 5 का, वो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इसके अंदर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी जो है ना सैटेलाइट की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ डिस्टेंस तक। इसको हम कह देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, RE। अब कोई भी सैटेलाइट होगा वो जारी बात है अर्थ से अवे मूव कर रहा होता है, किसी भी हाइट पर। हम लोग कहते हैं कि अर्थ से इस हाइट पर, h डिस्टेंस पर एक हमारा सैटेलाइट है, वो एक अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये हम लोग कहते हैं कि सैटेलाइट का ऑर्बिट है, सर्कुलर टाइप बना लेते हैं। ये आपने बनाना नहीं है, सिर्फ आपको जैसे शो करा रहे हैं कि किस तरह का केस होगा। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट है, सैटेलाइट अपने एक ऑर्बिट में घूमता है अर्थ के बाहर, तो वो एक h डिस्टेंस पर, हम जो अर्थ है ना वहां पर वो मूव कर रहा है। अब हम अपनी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं कि m हमारे पास क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, आर नॉट हम लोग ले लेते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास जो एक आर नॉट है वो हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है सैटेलाइट के, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है। और वी नॉट हमारे पास जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की। ये आपने लिख देने हैं, तीनों चीजें साथ साथ नोट भी करते रहें कि क्या क्या है। वी नॉट हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट एक सर्कल में मूव करेगा, तो सर्कल में जब भी कुछ चीज मूव करती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करती है। तो इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो क्या होगी हमारे पास, एफ सी इज इक्वल टू एम वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर और आर आ जाएगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू होगी किस वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ सैटेलाइट होगी जो कि अर्थ उसको प्रोवाइड करेगी अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए। तो एफ सी इक्वल हमारे पास क्या होगा, एफ डब्ल्यू, और वो आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि एफ डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम मास इंटू ग्रेविटी। ये देखें, इधर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इसकी जगह क्या आ रहा है हमारे पास, एफ सी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके, इसमें एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। यहाँ तक हमारे पास ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो अब टर्म्स रह जाएंगी वो जी इक्वल क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर, ये नॉट माने वी का छोटा सा ओ बनाना है आप लोगों ने, ओवर आर ये नॉट इस तरह का। अब हमारी जो इक्वेशन, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने तो विलासी चाहिए, तो ये जो हमारे पास आर नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर इसमें क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है, जी आर नॉट इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें, साथ साथ नोट करते रहें, तो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक अब आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक अब ये देखें, ये जो आर नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा था वो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और जी आर नॉट आ गया।
तो अब हम लोग मजीद प्रोसीड ऑन करते हैं। अब जारी बात है, हमने स्केयर को ख़त्म करना है तो स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पर। तो टेकिंग हम लोग ये करेंगे, टेकिंग ये के है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम लोग स्केयर रूट ले लेंगे। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा जी आर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर, ये टर्म और ये टर्म आपस में, ये जो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जी आर नॉट इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्केयर रूट रहेगा, स्केयर और वी नॉट वाला जो के ऊपर जो स्केयर था और वो स्केयर रूट कैंसिल हो चुके थे। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको दोबारा आप लोगों से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। ये जो हमारे पास स्केयर था और ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो चुके थे, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या रह गया था, वी नॉट। अब हमने ये करना है कि ये जो आर नॉट है इस पर डिस्कशन करनी है, आर नॉट किसके इक्वल होगा। बेसिकली एक हाइट पर वो मूव कर रहा है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो वो है रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई हो गया, और ये उससे भी एक हाइट पर, एच पर। तो अगर हम लोग आर नॉट की बात करें, जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई प्लस जितनी वो हाइट उस पर मूव कर रहा है वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वी नॉट की जो इक्वेशन होगी वो अब थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, और इज इक्वल टू ग्रेविटी आर ई प्लस एच। अब ये आपके लिए आसानी हो गई है, अगर आपको हाइट पता हो और उधर ग्रेविटी की वैल्यू पता हो उस हाइट पर, और रेडियस ऑफ आर्थ तो फिक्स है, तो आप इजीली ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होंगी, यहाँ तक आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। तो वो हमने डिस्कस करनी है कि क्या मॉडिफिकेशन है। अगर आपका सैटेलाइट अर्थ के करीब है, मतलब बिल्कुल करीब है, इतना दूर नहीं है अर्थ से, तो उसके लिए फिर हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। मैं ये पोर्शन रेस कर देता हूँ यहाँ पर, ये बेसिक यहाँ तक आपकी इक्वेशन ड्राइव हो चुकी थी। अब इसको मजीद हम लोग आगे लेकर चलते हैं, अगर आपसे ये पोर्शन रह गया था आप वीडियो को पीछे लेकर दोबारा देख सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग अब लिखते हैं, फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर वो अर्थ के क्लोज है तो हमने उसको डिस्कस करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो आर ई प्लस एच वाली टर्म है हमारे पास, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी आर ई के, रेडियस ऑफ अर्थ के, क्योंकि इतने डिस्टेंस पर नहीं है अर्थ के उससे, तो वो अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपके पास अब रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू, एच को हम लोग किस केस में निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एच की एक स्मॉल वैल्यू होगी इस केस में, तो वो मेन हमारे पास फैक्टर क्या होगा, जी आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। मैं इसको इसी जो पीछे हमने इक्वेशन की थी ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर हमारा एच जो है खत्म हो गया, अभी सिर्फ आर के इक्वल होगी, तो जी ओवर आर ई। इसके अंदर आप ग्रेविटी की वैल्यू भी जारी बात आप पुट कर लेंगे, 10 है, और रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट जब करते हैं आप लोग, तो आपको जो रिजल्ट आता है, जो सेटेलाइट आपके अर्थ के वेरी क्लोज हो तो उसकी जो स्पीड होती है आपके पास वो होती है